अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके और मेरे चैनल RPSC A to Z पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीट लेवल सेकंड में आपको कितने बोनस अंक मिलने वाले हैं और ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पर आपको बोनस अंक मिलने की संभावना है। मैं आपको पेपर का सीरीज नंबर या प्रश्न क्रमांक नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि सिर्फ प्रश्न पढ़ के आपको सुना देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न है। उसको आप अपने पेपर में, आपके पास जिस भी सीरीज़ का पेपर है उसमें ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको एक्यूरेट इतने प्रश्नों में बोनस मिलने वाला है, बल्कि मैं ऐसे सभी प्रश्न आपके सामने रखने वाला हूँ जिन पर कन्फ्यूज़न है। इन प्रश्नों में ऐसे प्रश्न भी हैं जिनमें चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, कई ऐसे प्रश्न हैं जिनमें दो ऑप्शन सही हैं, और कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें चारों ऑप्शन ही सही हैं। अब ये डिसाइड करना बोर्ड का काम है कि कौन सा क्वेश्चन डिलीट किया जाए, किस प्रश्न का ऑप्शन है वो चेंज किया जाएगा और किस प्रश्न में आपको बोनस अंक दिया जाएगा। तो चलिए, मैं आपके सामने वो सारे प्रश्न रख देता हूँ और आप ये आंकलन कर सकते हैं कि आपके स्कोर में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। ये साइकोलॉजी का प्रश्न है। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है, इस तरह का लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है? इसमें सी शैशव सवलीनता और डी अधिगम अक्षमता दोनों ऑप्शंस सही लग रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? इसमें बोर्ड ने सी आंसर सही माना है, सी वाला ऑप्शन, जबकि इसमें जो बी वाला ऑप्शन है, विशाल कंप्यूटरीकृत किताबें, वो भी सही लग रहा है। अगला प्रश्न है, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत सी विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? इसमें बोर्ड ने सी वाला ऑप्शन सही माना है, पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, जबकि इसमें बी वाला ऑप्शन वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति को भी सही बताया जा रहा है। अगला प्रश्न इंग्लिश का है और ये पैसेज से है। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। इसमें ए वाला ऑप्शन रिहैबिलिटेशन ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड और बी वाला ऑप्शन फिजिकल डिसेबिलिटीज, दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न हिंदी का है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, आशय की लोकोक्ति कौन सी है? इसमें ए वाला ऑप्शन ऊंट के मुंह में जीरा और सी वाला ऑप्शन एक अनार 100 बीमार, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, रचना शिक्षण के उद्देश्य हैं। इसमें ए बी और सी तीनों ऑप्शन ही सही लग रहे हैं, तो इस प्रश्न में आपको बोनस मिल सकता है। अगला प्रश्न साइकोलॉजी का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत दिया था, और दोस्तों इस प्रश्न में जो कन्फ्यूज़न है वो इस प्रश्न के इंग्लिश वर्जन की वजह से खड़ा हुआ है, क्योंकि हिंदी वर्जन का मतलब कुछ और निकलता है और इंग्लिश वाले का मतलब कुछ और निकलता है, तो इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस सही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विशेष स्तर तक बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसमें बी वाला ऑप्शन पूर्व संचालन और सी वाला ऑप्शन औपचारिक संचालन, दोनों ऑप्शन ही सही हैं। अगला जीके का प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? और दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो चारों ऑप्शंस में ही नहीं था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की किताब के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। अगला प्रश्न था कि सामाजिक न्याय से संबंधित प्रावधान कौन से हैं, और इसके उत्तर में जो चार ऑप्शन थे वो चारों ऑप्शन ही सही हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इंग्लिश का था, जिसमें जो वर्ड है जेनेरिक, इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछी थी, जो कि किसी भी ऑप्शन में सही नहीं दी गई थी, इसलिए इस प्रश्न में आपको बोनस मिलेगा। इसके बाद एक प्रश्न था कि भाषिक सामग्री है,
और इस क्वेश्चन के उत्तर में चारों विकल्प थे वो सभी सही थे। इसके बाद में एक हिंदी का प्रश्न था कि अगर हम अभी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र ही सामने आएंगे। इस वाक्य में काल पूछा गया था जिसके लिए उत्तर में जो चारों विकल्प थे वो चारों ही गलत थे। अगला हिंदी का प्रश्न है कि विद्वान सब जगह पूजा जाता है। अगला प्रश्न है CCE में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है, और इस प्रश्न में भी एक से ज़्यादा ऑप्शंस सही हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको सभी प्रश्न बता दिए जिनमें बोनस मिल सकता है। इन सभी प्रश्नों में कन्फ्यूज़न ज़रूर है, लेकिन ये बात मैं आपको नहीं कह सकता कि इन सभी में आपको बोनस मिलेगा। हो सकता है इनमें से कुछ प्रश्नों में आपको बोनस अंक मिल जाएं, ये बोर्ड डिसाइड करेगा। और अगर आपके दिमाग में इन प्रश्नों के अलावा भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई प्रश्न गलत बता दिया है जो कि इस लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि यही प्रश्न रहेंगे। मैंने सिर्फ आपके सामने ऐसे प्रश्न प्रस्तुत किए हैं जिनमें संभावनाएं हैं, जिनमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, और ये उम्मीद है कि इनमें से कई प्रश्नों में आपको बोनस अंक मिल सकता है। और दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चाहे जितने भी बोनस अंक मिले, 2 या 4, किसी का भी स्कोर कम नहीं होने वाला है। किसी के भी मार्क्स कम होने की कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि आपका स्कोर है वो बढ़ने ही वाला है। चाहे 1 अंक बढ़े या 2 अंक, आपका स्कोर में बढ़ोतरी ही होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।